सर आप बताइए इस पिकअप की जो अशोक लीलैंड का जो दोस्त एलएस पिकअप है जी, इसकी सर ऑन रोड कीमत कितने होने वाली है, कितना डाउन पेमेंट होगा कम से कम बताइएगा। ओके सर, तो अभी डीजल पे इसकी जो माइलेज कितना है सर, अभी डीजल पे माइलेज कितना मिल रहा है डीजल पे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड कंपनी तरफ से आने वाले दोस्त एलएस पिकअप की, जो डीजल वेरिएंट में है, इसी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं इस वीडियो में इसकी प्राइस माइलेज कीमत और तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में और बताएंगे इसकी प्राइस भी और जो माइलेज वगैरह भी है, जो पेलोड कैपेसिटी है सभी बताएंगे। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छा एक नॉर्मल सा सिंपल सा यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा और शानदार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सामने की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा सा एक फ्लैट आपको विंड स्क्रीन मिलता है, उसके साथ आपको दो वाइपर मिल जाते हैं, दो वाटर जेट मिल जाते हैं और इस साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइलोजन हेड लैम्प क्रोम फिनिश का, यहाँ पर देख सकते हैं जो एजेस वगैरह है यहाँ पर क्रोम फिनिश में दिया गया है और जो हेड लैम्प है हाइलोजन में आपको गया है, इंडिकेटर लाइट भी आपको हैलोजन मिल जाता है और यहाँ पे इस साइड में भी आपको छोटा सा एक इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको सेंटर में यहाँ पे अशोक लीलैंड का सिल्वर फिनिश में आपको बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे आपको अशोक लीलैंड का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। सामने की तरफ आपको सिल्वर कलर का देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाता है, जो कि आपके सेफ्टी के लिए काफी अच्छी है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है सॉलिड ब्लैक में फाइबर का यहाँ पे बंपर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, जो कि गाड़ी में अगर टच वगैरह भी करता है तो टूटने का कम चांस इसमें आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अगर चाहते हैं आप फॉग लैंप वगैरह लगाने का तो यहाँ पे आप अपने छोटा सा फॉग लैंप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने का यहाँ पे स्पेस दिया गया है और कुछ इस प्रकार का आपको सामने का फ्रंट लुक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्त एलएस का बैजिंग जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आता है, यहाँ पे आपको दोनों ही साइड ओवर बीम मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर का मिलता है, ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फाइबर का बॉडी के साथ आपको ओवर बीम देखने को यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्लैक डोर हैंडल मिल जाता है देखने को। और इस साइड में देख सकते हैं आपको मिल जाता है डीजल टैंक, जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करते हैं यहाँ पे आपको 40 लीटर तक का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 40 लीटर डीजल अपने इसमें फिल करा सकते हैं। और इसकी अगर टायर साइज की अगर बात करें तो देख सकते हैं आपको मिल जाता है यहाँ पे 185R14 यानी 14 इंच का टायर मिल जाता है, उसके साथ आपको मिल जाता है स्टील रिम देखने को मिल जाता है। सामने तरफ आपको दो दो कमानी पट्टियाँ देखने को मिलती हैं और इसके साथ आपको दो शॉक ऑब्जर्वर मिल जाता है। पीछे तरफ भी देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको 185R14 यानी 14 इंच का टायर मिलता है, स्टील रिम मिल जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है फाइबर का फेंडर मडगार्ड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह मिल जाता है जिससे आप अपने रस्सी को फंसाकर इसमें सामान वगैरह को बांध सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीछे तरफ मिल जाता है तीन तीन कमानी पट्टी मिल जाते हैं और उसके साथ आपको दो शॉक ऑब्जर्वर भी मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार का आपको साइड प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और पीछे की अगर लुक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है अशोक लीलैंड का ब्रांडिंग, उसके साथ आपको मिल जाता है रेड रिफ्लेक्टर पट्टी और उसके साथ देख सकते हैं पीछे तरफ भी आपको तीन पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो आपके सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। आप गाड़ी को अगर आप मतलब अकेले ऑपरेट कर रहे हैं और गाड़ी को बैक कर रहे हैं तो बीप का साउंड देता है, जिससे आप अपने जान सकते हैं कि हाँ भाई पीछे कुछ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिस्टम वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आपको मिल जाता है हाइलोजन हेडलैम्प रिफ्लेक्टर मिल जाता है और ब्रेक लाइट मिल जाता है देखने को। यहाँ पे नीचे तरफ प्लेस किया गया है इसका स्टेपनी टायर, जो कि ये भी 185R14 इंच का टायर यहाँ पे मिल जाता है स्टेपनी में, तो कुछ इस प्रकार का आपको पीछे का लुक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर बात करें इसके डाले की तो डाला भी आपको मिल जाता है लगभग 8 फीट 2 इंच का यहाँ पे डाला देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई आपको 8 फीट 2 इंच की मिलती है और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 5 फीट 3 इंच का चौड़ाई मिल जाता है और लगभग 1.25 फीट का यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लंबाई है डाला का, जो डेक का हाइट है लगभग 1.25 फीट का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें लोडिंग की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1250 kg का लोडिंग पेलोड कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 1.2 टन का मतलब इसमें लोडिंग कैपेसिटी दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार का आपको तमाम सारे इसमें फीचर्स वगैरह दिया गया है। इस साइड में देख सकते हैं आपको मिल जाता है एक साइड का बैटरी और यहाँ पे आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट पाइप वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे इस साइड में देख सकते हैं आपको ड्राइवर केबिन की तरफ लॉक अनलॉक का प्रोविजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे डोर हैंडल वगैरह देखने को मिल जाता है और कुछ इस प्रकार का आपको
चारों तरफ का आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो लुक है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का निकल के आता है। और अब बात करते हैं इसकी ड्राइवर केबिन की, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसके गेट को खोलते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सारे सॉफ्ट टच यानी लेदर टच का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं आपको मिल जाता है एक छोटा सा ब्लैक ग्रैब हैंडल मिलता है, उसके साथ आपको जो विंडो है उसका यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल मिलता है, इसमें पावर विंडो वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से आप अपने गेट को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फुट स्टेप मिल जाता है जिससे आप अपने गाड़ी में आराम से चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी में चढ़ के अभी आपको दिखलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता है। और अब गेट को हम बंद कर लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे स्टेयरिंग दिया गया है। स्टेयरिंग के ऊपर आपको मिल जाता है अशोक लीलैंड का लोगो, और यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉर्न, इसी के अंदर आपको हॉर्न मिल जाता है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सामान वगैरह भी आप अपने रख सकते हैं, पानी का बोतल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है अशोक लीलैंड का ब्रांडिंग जिसे आप इसे हटाकर अपने म्यूजिक प्लेयर सिस्टम वगैरह को यहाँ पे लगा सकते हैं। और देख सकते हैं अगर डैशबोर्ड की अगर बात करें इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आप अपने स्पीड को देख सकते हैं और टाइम वगैरह देख सकते हैं, जो फ्यूल गेजिंग है और जो भी ट्रिप मीटर है वो सब यहाँ पे आपको दिया गया है। तमाम सारी जानकारी आप इस पिकअप की यहाँ से ले सकते हैं। और हैंडल के अगर इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है, इस साइड में आपको मिल जाता है लाइट्स का, इंडिकेटर का कंट्रोल, और इस साइड में देख सकते हैं आपको मिलता है यहाँ पे गियर लीवर जिसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं फ्रंट के लिए और 1 गियर मिलता है रिवर्स के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके हैंड ब्रेक, और देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस है काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया है। नीचे तरफ भी देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जिससे आप अपने मोबाइल को भी आराम से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है जिसमें आप अपने मोबाइल को आराम से यहाँ रख सकते हैं। इस साइड में देख सकते हैं आपको मिल जाता है IRVM जिससे आप अपने पीछे नज़र बनाए रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सनसेट जिससे आप अपने सूरज का जो रोशनी पड़ता है आँख पे उससे आप अपने बचे रह सकते हैं। पीछे तरफ भी आपको मिलता है स्लाइडिंग विंडो, इसमें फिक्स विंडो नहीं मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्लाइडिंग विंडो है, अगर गर्मी लग रहा है आपको तो यहाँ से आप अपने खोलकर आराम से हवा भी ले सकते हैं। पीछे तरफ से भी यहाँ पे एक छोटा सा केबिन लाइट मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि LED में है, काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया है। इस पिकअप की अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे 1478 cc की 3 सिलेंडर BS6 आपको इंजन मिल जाता है जो कि टर्बो चार्ज इंजन है, डीजल इंजन है। और अगर इसकी बात करें हम इस गाड़ी की GBW की यानी कि ग्रॉस वेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2590 kg की ग्रॉस वेट देखने को मिल जाता है। इसमें पेलोड कैपेसिटी आपको बता दिए हम अपने 1250 kg का पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है। गाड़ी की अगर लेंथ की बात करें तो आपको 4485 mm का गाड़ी का लेंथ मिल जाता है। हाइट की अगर बात करें तो 1835 mm का हाइट मिलता है। गाड़ी की चौड़ाई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1620 mm का इस गाड़ी का चौड़ाई। व्हील बेस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा व्हील बेस इसमें मिल जाता है, 2350 mm का व्हील बेस मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको तमाम सारे फीचर्स दिए गए हैं। और अब आइए बात करते हैं इस पिकअप की जो प्राइस माइलेज कीमत है, जो यहाँ के सेल्समैन है उनसे अभी बात करते हैं। तो आइए बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए बात करते हैं अब आदर्श जी से। आदर्श जी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सोनू अली ब्लॉग्स पे। जी सर बताइए। तो सर आप बताइए इस पिकअप की जो अशोक लीलैंड का जो दोस्त LS पिकअप है जी, इसकी सर ऑन रोड कीमत कितनी होने वाली है? सर इसकी ऑन रोड कीमत 8,47,000 की है। 8,47,000 की, ओके। तो अगर चाहें इस पिकअप को फाइनेंस पे मतलब फाइनेंस पे लेना, फाइनेंस कराना, तो इसमें कितना डाउन पेमेंट होगा कम से कम बताइएगा? इसमें कम से कम डाउन पेमेंट 1,80,000 से स्टार्ट है, फिर उसके ऊपर आप जितना लगा सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लगभग 80,000 से 1,00,000 तक का डाउन पेमेंट करके इस पिकअप को फाइनेंस करा सकते हैं। जी सर, जी सर। ओके सर, तो अभी डीजल पे इसकी जो माइलेज कितना है सर? अभी डीजल पे माइलेज कितना मिल रहा है? डीजल पे इसका लोडिंग पे 18 का माइलेज है। 18 के माइलेज है, देख सकते हैं यहाँ पे 17-18 के माइलेज मिल जाएगी लोडिंग पे। अगर इस पिकअप को इसी तरह चलाते हैं तो लगभग मतलब 19-20 भी मिल सकता है सर आराम से। सर रोड अच्छा होगा तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे माइलेज भी ऑफर करता है ये पिकअप। और इसके साथ गारंटी वारंटी कितना मिल जाता है सर? सर इसमें भी 1,00,000 किलोमीटर या तो 3 साल की गारंटी है। 1,00,000 किलोमीटर यानी 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी इसमें देखने को मिल जाती है। और सर सर्विस फ्री वगैरह कुछ है तो उसके बारे में बताइए हमें। सर वही सर्विस फ्री है कि मतलब हर 10,000 किलोमीटर में सर्विस होगी, 3 सर्विस का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, खाली ओनली मोबाइल का पैसा लगेगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस कराना है जिसमें आपकी सर्विस चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगी, सिर्फ जो आप अपने मोबाइल चेंज कराते हैं या फिल्टर वगैरह कुछ चेंज कराते हैं तो उसकी आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, बाकी आपको जो सर्विस चार्ज होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है।
आपको मतलब लगता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इसी साथ आपको तमाम सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से इस पिकअप की मिल चुकी होगी, और आपको वीडियो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।